आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, उन्होंने हर चीज़ को बड़े वेल बैलेंस तरीके से दिखाया है. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बिगिन विद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू जुग जुग जियो. फिल्म को इतना ज़्यादा उन्होंने वो एशियन हमारा देसी टच नहीं दिया कि एक बहू को ये करना चाहिए, एक सास को ये करना चाहिए, बाप को ये करना चाहिए. और आज की जिस तरह की पोलराइज सोसाइटी है, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये दिखाई है कि जितने अर्बन चैलेंजेस आ रहे हैं, लोग मूव कर रहे हैं, डिफरेंट जगह पर जाते हैं काम की घर से, कोई कनाडा चले जाता है, कोई अमेरिका चले जाता है, तो वो डिसीजंस उनकी फैमिली में क्या रिफ्ट क्रिएट करती है. और समटाइम्स एक और भी है, मेल ईगो की बात आ जाती है कि अगर फीमेल जो है ज़्यादा कमाती है और बंदा अगर कम कमाता है तो उसको कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर होता है. तो ये चीज़ भी उन्होंने हाईलाइट की है, लेकिन बड़े ही मॉडरेट लेवल से, और उसको इतना ज़्यादा हार्श नहीं बनाया. लेकिन ये एग्जिस्टिंग इश्यूज होते हैं कम्युनिटी के, सोसाइटी के, तो वो उन्होंने दिखाए हैं. और उसके बाद वो जैसे ही अपनी फैमिली में वापस आते हैं तो ऐसे लगता है कि जो मसले उनकी चार दीवारी में हो रहे हैं, अगर वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में जाएं तो पता चलता है कि उनके अपने ही इश्यूज हैं. और जब उनके इश्यूज देखते हैं तो अपना इशू कहीं गुम होकर रह जाता है. तो इसी तरह की स्टोरी उन्होंने दिखाई है. और उसके बाद दिखाया है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज ए कपल, एज ए फैमिली, एज ए सन और एज ए डॉटर इन लॉ. तो कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर डिसीजंस लेनी पड़ती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशंस यू हैव विद योर फैमिली वन. तो आप अकेले नहीं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके साथ बहुत सी जिंदगियाँ जो हैं वो अटैच्ड हैं, और उन जिंदगियों को भी आपने देखना होता है. और कभी कभार अपने जो इश्यूज हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ये पीछे धकेल देना अच्छी बात है, ताकि उससे एक फैमिली में बैलेंस और स्टेबिलिटी पैदा हो. तो ये कपल बिल्कुल वही काम करता है और देखता है सिचुएशन किस तरह की है और उसके मुताबिक फिर वो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि देयर डिसीजन मैटर्स द मोस्ट ऑल्सो, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे फैमिली मेम्बर्स और दूसरे लोगों की ज़िंदगी, वो यंगस्टर्स उन्हीं से सीखते हैं. तो जब वो देखते हैं एक जनरेशन और फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन और फिर तीसरी जनरेशन, वो तीसरी जनरेशन इन दोनों जनरेशन की मैरिटल लाइफ से क्या सीख रही है. तो कहीं ना कहीं अगर आपने जो चॉइस बनाई होती है ज़िंदगी में उसके ऊपर ही अगर आप अपने आप को सब्र से बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा. क्योंकि कभी कभार जैसे जैसे वक्त में आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी लोगों के लिए लाइबिलिटी बनना शुरू हो जाती है. तो दे हैव टोल्ड एवरीथिंग इन दिस मूवी एंड यू रियली इन्जॉय दिस. ओवरऑल इट इज़ गुड टू सी अ फैमिली मूवी, अच्छा है और सारी चीज़ें वेल बैलेंस्ड है. अनिल कपूर की एक्टिंग अच्छी है, नीतू जी आफ्टर लॉन्ग टाइम कम बैक कर रही है, बहुत मेच्योर और सटल करेक्टर दिखाया है उनका. और उसके साथ साथ ये फीमेल एक्ट्रेस एंड एक्टर दे हैव ऑलरेडी डन ट्रेमेंडस जॉब. एंड होपफुली वरुण धवन का अक्टूबर वाली फिल्म या बदलापुर वाली फिल्म वाला अवतार कहीं ना कहीं जा गए, कहीं उसको इस तरह की मूवीज़ मिलें. अभी तक इसी तरह की मूवीज़ आ रही हैं कॉमेडी, ह्यूमर और रोमांस की, तो अगर उसको अच्छी फिल्में इस तरह की और मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज पीपल आर रियली डेस्परेट टू सी हिम इन दैट अवतार. सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, टेक योर लव एंड स्टे सेफ, बाय बाय.